इसका मतलब ये है कि आपको 9:35 को पहुंचना है,
9 महीने को हमने और किसी कक्षा के लिए समय दिया होगा, उस समय आप कर बताएंगे कि हम आए थे, आपने हमारी बात नहीं मानी, हमारी बात नहीं, आपकी बात नहीं मान पाएंगे क्योंकि हम दूसरों के लिए समय दिया हुआ होगा। इसलिए डिसिप्लिन जो है हमारे लिए बहुत बहुत बहुमूल्य चीज होता है। हाँ, एक्सक्यूजेस सब जगह पे होता है, जैसे कि एक दो पेरेंट्स के सामने जब एडमिशन के टाइम पर हमने बता दिया था कि फलाने तारीख को एडमिशन लेना है, एक दो पेरेंट्स हमने हमसे पहले बता दिया था कि हम उस दिन यहाँ शहर में नहीं रहेंगे, हमें 2 दिन की छूट चाहिए, ये सब एक्सेप्शन होता है, कॉमन रूल नहीं होता, एक्सेप्शन सब जगह पे मान्य होता है, लेकिन उसके लिए पहले ही मंजूरी लेनी होती है। जब तक मंजूरी नहीं होती है हमें पता नहीं चलता, हम और कोई शेड्यूल बना देंगे और आपके लिए परेशानी उत्पन्न हो। इसलिए आपसे निवेदन है, नम्र निवेदन है, जो भी निर्देश आपसे स्कूल से आपको दिया जाएगा, टीचर्स द्वारा, प्रिंसिपल द्वारा और अन्य शिक्षक शिक्षिकाएं द्वारा जो भी निर्देश दिए जाएंगे उनका समय पर आपका पालन करने की कोशिश करें और हमें हमारे जो भी प्रयास रहेगा, हमारा प्रयास है कि आपके बच्चों के भविष्य को बनाना। आज इस मिलकर हमारे लिए एक और जिम्मेदारी बढ़ गई है, इन सब बच्चों के लिए हम रोज प्रार्थना करते हैं, हमारे दिन शुरू होते हैं प्रार्थना के साथ। आप शायद सोचते होंगे हम लोग क्या करते हैं, स्कूल खुलने के पहले हम लोग अपने प्रेयर सब समाप्त करके स्कूल में पहुंचते हैं, एकदम तड़के से हम लोग प्रेयर शुरू कर देते हैं, सभी बच्चों को हम प्रार्थना में याद करते हैं। तो आज से लेकर हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इन सब बच्चों के लिए हम विशेष रूप से प्रार्थना करें और प्रार्थना करने के साथ साथ आप सभी लोगों के लिए, आप सभी अभिभावकों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जिससे कि आप सभी के भविष्य अच्छा हो, बच्चों के भविष्य अच्छा हो और हम सब मिलकर इस बिजनौर के, बिजनौर शहर के और हमारे देश के सेवा करने में आगे बढ़ सकें। हम पेरेंट्स हैं आपके, हम पेरेंट्स के साथ डील करते हैं, हमारे सामने आप और कोई नहीं है, केवल पेरेंट्स हैं। आप चाहे किसी भी प्रकार के अधिकारी हो लेकिन हम स्कूल में आपसे पेरेंट्स के रूप में डील करेंगे, क्योंकि हम काम करते हैं आपके बच्चे के लिए, तो बच्चे के भविष्य के लिए हम काम करेंगे और हमारा और आपका एक साथ रहना, एक साथ चलना, एक साथ बातें करना बच्चों के भविष्य के लिए अच्छा रहेगा और वे हमारे जो बंधन होता है उसको देखते हुए स्कूल को, टीचर लोगों को प्यार करने लगते हैं। जो बच्चे स्कूल और टीचर को प्यार करते हैं वे अपने पढ़ाई में अच्छे से अच्छे नंबर पाएंगे, क्योंकि उनको फिर मन लगता है। जब बच्चे किताब और टीचर लोगों को प्यार नहीं करते उनको पढ़ने का मन नहीं करेगा। इसलिए आपको बच्चों को भी सिखाना पड़ेगा कि आपके टीचर आपके साथ चलने वाली है, आपके टीचर आपके लिए, आपके भविष्य के लिए काम करने वाले हैं। देखो बहुत कुछ होता है समाज में, बहुत कुछ चीज होता है, बहुत सारे कुरीतियाँ चलती हैं, नेगेटिव एस्पेक्ट्स बहुत सारे निकलते हैं, लेकिन हमारा एक ही लक्ष्य है हमारे इन बच्चों का भविष्य को सही रूप से बनाए रखना, इन्हें पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे ले चलना और आगे चलकर एक अच्छे नागरिक बने। इसके लिए हमारे यहाँ पर शिक्षण कार्यकलापों के साथ साथ अन्य गतिविधियाँ चलाते रहेंगे हम लोग, यानी कि स्पोर्ट्स का होगा, कल्चरल इवेंट्स होगा, प्रैक्टिसेस होगा। अभी अक्सर हमारे 22 तारीख को स्कूल की जुबली है, 50 साल की जुबली हम मना रहे हैं, उसके लिए हमारे बड़े बच्चे तैयारी कर रहे हैं। ये आप नहीं सोच रहे कि ये तैयारी जो डांस ड्रामा का जो भी तैयारी चलती है इसमें बच्चों के लिए कोई फायदा नहीं, ये नहीं सोच रहे, ये भी एक शिक्षण कार्य ही है, बच्चों के सर्वांगीण विकास का एक अहम भूमि होती है, स्पोर्ट्स में हो, कल्चरल इवेंट्स हो और अन्य लिटरेरी कॉम्पिटिशन्स में हो, इन सभी में बच्चों के छिपी हुई खूबियों को, कलाओं को, भावनाओं को उजागर दिखाने की कोशिश करते हैं। तो आप सभी को इस प्रकार के प्रोग्राम, अभी हमारे छोटे बच्चों ने डांस किया, हमारे टीचर लोगों ने सिखाया, ये भी इनका एक सर्वांगीण विकास का एक भाग होता है।
इसलिए यदि आपसे मांगा जाए कि आपके बच्चों को फलाना फलाना प्रोग्राम में भाग लेना है, उसका सहयोग देना है, तो आप टीचर के साथ सहयोग दें। और हम यही चाहेंगे कि हमारे बच्चे सब फील्ड में, हर एक बच्चे हर एक फील्ड में नहीं जाएंगे, लेकिन किसी न किसी बच्चों को किसी न किसी प्रकार के छिपे हुए गुण होते हैं, उन छिपे हुए गुणों को उजागर करना और उन छिपे हुए गुणों को दर्शाते हुए हमें सिखाना हमारा लक्ष्य है। हमारा लक्ष्य एक ही है कि हमारे इन बच्चे कल के नागरिक है, यहाँ पर इस देश की सेवा करने वाले कल के नागरिक है। इसके लिए हम प्रयास करते हैं, यदि आपके लिए कोई परेशानी हो, कोई भी मुसीबत हो बच्चों के प्रति और हमारे यहाँ पर शिक्षण कार्यों के प्रति कोई भी मुसीबत हो, आप व्यक्तिगत रूप से हमसे मिल सकते हैं। यहाँ पर एडी सेक्शन में सिस्टर स्वांतना है, यहाँ पर प्राइमरी सेक्शन में सिस्टर प्रसन्ना है, मिडिल स्कूल में सिस्टर रिंसी है। अध्ययन कार्यों के संचालन इनके द्वारा किया जाता है। जो भी समस्याएं हैं आप बाजार में शेयर मत करिएगा, बाजार में शेयर करने वाले आपको सही रूप से मार्गदर्शन नहीं कर पाएंगे, आपका मार्गदर्शन आपका सहयोग हम यहाँ से कर पाएंगे। कोई भी समस्या है सिस्टमों से मिलेगा, टीचरों से मिलेगा, इन लोग यहाँ पर तैयार है। इन लोग आपके हर एक व्यक्ति के जो भी परेशानी है उनको समझने और उनको उनके समाधान निकालने में सक्षम है। और बाजार में आप अपनी समस्याएं डालेंगे तो उसका समाधान नहीं निकलेगा, बाजार में समाधान निकालने वाले नेगेटिव एटीट्यूड में ले जाएंगे, नेगेटिव बातें भरने वाले होते बाजार में। मेरे पास अभी भी व्हाट्सएप में मैसेज आते हैं, फेसबुक में मैसेजेस आते हैं, हमारे खिलाफ लिखते हैं। अभी दो दिन पहले किसी पेरेंट्स ने लिखा कि गर्मी आने वाली है और मई में बहुत गर्मी होगी, हम स्कूल प्रबंधन को लिखेंगे और क्या है साइन सिग्नेचर कैंपेन करेंगे कि कम समय करा जाए, इसकी जरूरत है। ऐसे कोई लेटर लिखे सिग्नेचर कैंपेन कराने की जरूरत है? आप अपनी समस्या हमारे सामने रखिए, बाजार में नहीं। किसी व्यक्ति सीनियर सज्जन ने फेसबुक में डाला था कि सेंट स्कूल ने फीस बढ़ा दी है। आपको मैं बताऊं, 2 साल से हमने फीस नहीं बढ़ाया है, हमारे टीचर लोगों को हमने सैलरी नहीं बढ़ाई है, 2 साल से वही सैलरी चल रहा है जबकि पिछले 2 साल एक्स्ट्रा काम चल रहे थे। इस साल हमने नेट से बच्चों के लिए 10% फीस बढ़ाया और फेसबुक में चलाने लगे कि यहाँ पर बाजार में दाम बढ़ने में किसी की कोई चिंता नहीं है। सेंटिमेंट वालों ने 10% फीस बढ़ाया हमारे टीचर लोगों के लिए, उनके लिए परेशानी है। सामानों की जितने भी बाजार में जितने भी सामान है उन सब तक दाम बढ़ गया। मैंने पिछले हफ्ते इस स्कूल बिल्डिंग के ऊपर हमारे केजी और इसके लिए सोलर का सिस्टम लगाया, मार्च महीने में लगाया, जिसने लगाया उसने बताया अप्रैल महीने से सोलर सिस्टम के लिए 67% इंक्रीमेंट हो रहा है रेट का। इसके लिए किसी के लिए कोई दिक्कत नहीं है, कितने भी परसेंटेज बढ़े हैं। मेरे लिए किसी ने मैसेज भेजा अप्रैल महीने के पहले फलाना फलाना सामान को खरीद के रखे, 10-50% सामान का वृद्धि, दाम की वृद्धि हो रही है, पहले खरीद रखे। हमारे लिए पहले खरीद रखने वाला सिस्टम है नहीं, हम लोग जो आपसे लेते हैं उसको पे करते हैं। इसलिए हमारे लिए चाहिए हमारे टीचर लोगों को फीस बढ़ाने की, फीस बढ़ा के देने की जरूरत है, 2 साल से बढ़ाएंगे, इसलिए आपसे हम लेंगे। आप उसके बाद जब फेसबुक उनको वालों में से किसी ने लिखा कि सेंटिमेंट स्कूल का फीस सबसे कम है, तो वो सक्षमता है, हम सेंटिमेंट स्कूल से शुरू करेंगे जिससे कि बाकी स्कूलें झुक जाएंगे। हमें क्यों माध्यम बना रहे भाई, हमें उसके लिए क्यों माध्यम बना रहे जबकि हम सबसे सस्ता उसमें शिक्षा दे रहे हैं। हम बिजनेस नहीं कर रहे हैं, हम बिजनेस नहीं कर रहे हैं, बच्चों के लिए टीचर लोगों के लिए जो भी चीज़ों की जरूरत है उनकी पूर्ति के लिए ही फीस लेते हैं और किसी मतलब से हमारा कोई धन कमाना और कोई बिजनेस पर्पस नहीं है। इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा जो भी जो कुछ हम करेंगे केवल यहाँ के बच्चों के लिए और टीचर लोगों के लिए, यहाँ के बच्चों के भविष्य के लिए, उनकी उन्नति को ध्यान में रखते हुए हम करते हैं। इसलिए आपसे निवेदन है बाजारों में हमारे मुद्दों को लेकर न जाइए, बहुत सारे नेगेटिव एलिमेंट्स बाजार में रहते हैं उनके पीछे न जाइए। जो भी समस्या है आप व्यक्तिगत रूप से हमसे मिल सकते हैं, हमारे सिस्टम लोग तत्पर रहे सुनने के लिए, टीचरों तैयार है सुनने के लिए, जो भी परेशानी है वे उनका समाधान करेंगे। और पेरेंट्स में एक ही एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि आपको टाइम मैनेजमेंट को ध्यान रखना चाहिए। जब भी हम बच्चों के लिए बच्चों को बुलाएंगे फलाना टाइम
अभी कुछ दिन आपके लिए समय थोड़ा रहेगा, क्योंकि छोटे बच्चे क्लासरूम में एक ही रोने लगते हैं तो सब लोग रहने लगते हैं, तो क्लासरूम में बिठाने के लिए आदत करानी चाहिए, इसलिए कुछ दिन के लिए आपके लिए समय कम रहेगा, लेकिन बाद में हम समय बढ़ा के बच्चों को पूर्ण रूप से बिठाने की कोशिश करें, क्योंकि अभी आदत डालने की जरूरत है बैठने, और आपको भी दिक्कत है, आप भी चिंतित है क्लासरूम में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सब चिंतित होते हैं, इसलिए हम बच्चों के लिए पूर्ण रूप से समर्पित है, और हम इन बच्चों के लिए पूर्ण रूप से समर्पित करने के लिए इनके लिए विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं। हम इन बच्चों को प्रभु के समक्ष समर्पित करते हैं। जब तक हमें ऊपर की शक्ति नहीं दिया जा सकता है, इस धरती से हम कुछ भी नहीं कमा सकते। ऊपर की शक्ति प्रभु की कृपा हमारे जीवन में बने रहने की जरूरत है। इन सब प्रार्थनाएं, इन सब अभिलाषा और कामनाओं के साथ मैं आप सभी को और इन सब बच्चों को हमारे प्रांगण में विशेष रूप से स्वागत करता हूँ। आप सबको हार्दिक रूप से अभिनंदन अर्पित करता हूँ। धन्यवाद।